नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पांडे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे आपकी हर नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहे और आप उस वीडियो को नॉलेज कर सकें अच्छी तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय आपके गवाए हुए। जैसा कि आपको बताना है, जैसे किसी ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं और वो ऐप साइनिंग मांगता है किसी ईमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से, आपको साइनिंग मांगता है। कैसे आप साइनिंग करके उस वहाँ पर ऐप को चलाने के लिए वहाँ परमिशन देता है, जब तक आप साइनिंग नहीं करते वो ऐप ओपन ही नहीं होता है। तो आज हम बताएंगे साइनिंग करने के बाद जब आप कुछ दिन वहाँ पर ऐप को यूज करते हैं और आपको ऐप नहीं पसंद आता तो वहाँ पर आप ऐप को ही अनइंस्टॉल कर देते हैं। अनइंस्टॉल करने पर सिर्फ आप ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, उसके साइनिंग को अनइंस्टॉल नहीं करते कि आप साइनिंग वहाँ से हट जाएगा। आप जब फिर से इंस्टॉल करेंगे ऐप को, फिर से साइनिंग करेंगे तो आपका एक्सेस वहीं शुरू होगा जब आप ईमेल एड्रेस वहाँ पर जैसे सेट करे होंगे, जैसे आप ईमेल आईडी वहाँ पर भरे होंगे, ईमेल आईडी वहाँ पर साइनिंग कराते ही आपका पूरा बायोडाटा सिर्फ सेम टू सेम हो जाता है जैसे पहले आप एडिट कर रहे हैं। ऐसे क्यों होता है दोस्तों? आप जब साइनिंग करते हैं तो आपका पूरा एक्सेस, पूरा ऐप का एक्सेस वहां पर ईमेल आईडी पर चला जाता है और पूरा बायोडाटा वहां पर फिट हो जाता है। और इसको एक्सेस को कैसे रिमूव करें जिससे हमारे ऐप पर कोई प्रभाव न पड़े और हमारे गूगल अकाउंट पर कोई प्रभाव न पड़े, इसको आज हम आप इस वीडियो में बताएंगे। बहरहाल दोस्तों, जैसे कि आप कभी भी अपने ऐप को इंस्टॉल फिर से करेंगे तो आपका साइनिंग दिखाएगा लेकिन गूगल अकाउंट पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम आपको एक वीडियो यही बता रहे हैं, आप इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा और एक्सेस को कहां से खत्म किया जाता है, कैसे रिमूव कर दें, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। एक्सेस रिमूव करने के बाद आपके अकाउंट पर, आपके गूगल अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई हैकिंग प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे आपकी वहां पर गूगल अकाउंट की प्राइवेसी बची रहेगी और वहां पर आपकी रिकवर एकदम वहां पर कवरिंग भर रहेगी और आपकी हैकिंग का मामला कोई नहीं होगा वहां पर। तो आज इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप ना करिएगा दोस्तों, स्किप करेंगे तो आप बीच से ही वहां पर डिस्कनेक्ट कर देंगे पूरा वीडियो को ही और वहां पर समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट ही समझ में आए और आप अच्छी तरह से उसको समझकर अपने ऐप को और अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित रख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय आपके गवाए हुए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के लिए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर चलना होगा। चलिए दोस्तों, तो हाँ दोस्तों, हम अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसा कि आपको बताना है, हमने वीडियो में भी बताया था कि अगर आपकी ऐप किसी वहाँ पर ईमेल से साइनिंग करवाई जाती है तो वह ऐप अगर कुछ दिन बाद आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो अनइंस्टॉल ऐप में आपकी साइनिंग ईमेल जुड़ी रहती है जब तक आप गूगल अकाउंट से उसका रिमूव नहीं करते हैं एक्सेस। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कैसे एक्सेस उसका रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और क्रोम ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे गूगल अकाउंट, मतलब कि गूगल अकाउंट, गूगल खाता। तो यहाँ पर इसको जब सर्च करेंगे तो आपका ऐसे ही खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका गूगल अकाउंट ऐसे बनकर खुलेगा, ऐसे पेज आपका खुलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पर हिंदी टाइप वहाँ पर किया गया है फॉन्ट। आप अगर इंग्लिश में है तो यहाँ पर हर स्टेप पे आप ध्यान रखिए, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हिंदी फॉन्ट हो चुका है, हम अभी जल्दी वीडियो के बनाने चक्कर में यहाँ पर इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप भी फॉन्ट को देखते हुए अपने वहाँ पर इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर होम है और होम पे क्या करना है दोस्तों, होम पे आप में भी फोन होम लिखा होगा तो होम पर देखते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम टू योर, यहाँ पर टेक्निकल योर पांडे। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, फिर लिखा है कि आपका डेटा और मन मुताबिक बनाने को संभालें और यहाँ पर हम आपके खाता को सुरक्षित बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर आपको सुरक्षित बनाए रखते में आपको क्लिक करना होगा, स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के बाद हमको गूगल अकाउंट का ऐसे ऑप्शन पेज खुलता है। पेज खुलने के बाद हम आपको ध्यान देंगे कि इसमें से क्या क्या हमको डिवाइस में करना है। पहले हम अपना डिवाइस चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम पहले देख लेते हैं कि हमारा एक्सेस क्या है जो हम आपको बताना चाहते हैं, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे रिकवरी कैसे करना है। तो थर्ड पार्टी एक्सेस में हम जाएंगे, हमने काफ़ी ऐप को वहाँ से रिमूव किया है, कुछ ऐप वहाँ पर बचाए थे जिससे आपको भी समझा सकें, तो हमने 5 ऐप बचा कर रखे थे। तो यहाँ पर इसको भी एक्सेस रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि यह है क्लब फैक्ट्री ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, यहाँ पर रिमूव एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर रिमूव अकाउंट एक्सेस यहाँ रिमूव हो गया।
फिर यहाँ पर जैसे कि हम करना चाहते हैं ट्रू कॉलर आईडी, यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेंजर, इसको भी हम अगर हम करना चाहते हैं ट्रू कॉलर को भी, तो हम ट्रू कॉलर को भी यहाँ पर रिमूव एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे सारे बहुत से फॉन्ट हैं जो जो आप वहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं, जिस ऐप का एक्सेस यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बस आप यहीं पर चेक करते रहिए। अगर किसी ऐप को आप वहाँ पर इंस्टॉल करके अगर आपको मांगे प्राइवेसी के लिए कि मेल अकाउंट अपना वहाँ पर लॉगिन करिए, तो आप लॉगिन कर दीजिए, उससे मत डरिए। वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ सीधे डायरेक्ट चले जाइए, उसको ऐप को छोड़ दीजिए। फिर वहाँ पर लॉगिन करने के बाद ऐप को छोड़ कर सीधे यहाँ पर आइए एक्सेस में, और वहाँ पर एक्सेस को वहाँ से हटा दीजिए। फिर आप उस ऐप में चाहे जो चलाइए चाहे जो करिए, ऐप का एक्सेस वहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर होगा ना, आपका रिकवर वहाँ पर ढका हुआ रहेगा, फिर आपके ईमेल अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पर ऐप में चाहे जो करिए। तो यहाँ पर ऐसे एक्सेस को वहाँ पर रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद दोस्तों रिसेंटली सिक्योरिटी इवेंट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा वन रिसेंट चेंज पासवर्ड, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे दिखेंगे। तो और योर डिवाइस पर जब आप क्लिक करेंगे तो योर डिवाइस में आपको बताया जाए कौन कौन डिवाइस आप यूज करते हैं। अगर आप ओपन प्ले प्रोटेक्ट करेंगे तो आपका जैसे कि फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और आपकी अगर फ़ोन कहीं खो गया, अगर वो एक्सेस अभी तक आपको ईमेल आईडी पर रहेगा, वो तुरंत आपकी ईमेल आईडी खोल के देगा। तो यही बताना दोस्तों, आप वहां से एक्सेस को हटा दीजिए, यही बताना था। घबराइए मत, जो जैसे कि ऐप आप साइनिंग कर लेते हैं काफ़ी लोग, तो और चिंता में पड़ जाते हैं कहीं हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रिमूव ना हो कर दे हमारा ईमेल आईडी, तो इससे डरें मत। हम एक वीडियो रिकवरी के ऊपर बनाएंगे और उसमें पूरा संपूर्ण बताएंगे क्या क्या होता है और रिकवरी कैसे कर लेते हैं आप ईमेल आईडी को, और वहाँ से किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। तो यहीं तक वीडियो बनाना दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आपको वीडियो थोड़ी सी मिस्टेक लगी हो या आपको समझ में नहीं आई हो प्लीज़ कमेंट कर दें वीडियो में, हम आपको दोबारा वीडियो बनाकर अच्छी तरह समझाएंगे। हमें आशा है दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी तरह समझ में आई हो, अगर न समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हर वीडियो मिलती रहे। और ध्यान रहे दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलती रहे और वीडियो को नॉलेज कर सकें, उसके बारे में जान सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए देश में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।